आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। साथियों, माताओं बहनों बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है तो इसलिए मैं विशेष तौर पर यह आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे ई एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि ई एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इसे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी
साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा।